नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से। आइए डालते हैं नजर बहराइच ब्यूरो शाहिद सईद खान की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले वरिष्ठ आदमी यहाँ लगा के बोलेंगे कि डीएम साहब, आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के चार लड़के रवाना किया गया, क्या था? सड़क सुरक्षा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं उतना शायद ही किसी अन्य विधा में लोग जीवन अपना देते हैं। इसलिए छोटे छोटे उपाय से, छोटी छोटी सजगता से ऐसी जानें जो आकस्मिक रूप से दुर्घटना में जाती हैं उनको बचाया जा सकता है। आज उसी के जागरूकता के लिए यहाँ से वाहन रवाना किया गया है। मेरा प्रेस के माध्यम से यही अनुरोध है कि जो भी सड़क पर चलें उन जो उपाय हैं, नियम हैं, उनका पालन अवश्य करें। छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आदमी अपनी दुर्घटना से बच सकता है। जैसे टू व्हीलर्स का जब भी प्रयोग करें तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। उसमें आगे और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्ति करेंगे तो उनको निश्चित रूप से दुर्घटना में कोई ऐसी हानि नहीं होगी जो जीवन मृत्यु की हानि। इसी प्रकार सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सड़क क्रॉसिंग करते हुए जो संकेतक हैं उनका प्रयोग करें। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से यह अनुरोध है कि जीवन की रक्षा के लिए सड़क पर चलने की जो नियम कानून है उसका पालन अवश्य करें। और मैं एक बार पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि क्योंकि आने वाले जाड़े के समय में कोहरा भी आता है और कोहरे से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं जिससे कि दूर से ही वाहनें प्रदर्शित हो सकें। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर सारे लोग जागरूकता के आधार पर ही कर सकते हैं। अतः जीवन को बचाने के लिए सड़क नियमों का पालन आवश्यक है। पुलिस भाव के साथ आपसे अनुरोध है कि इसका जनमानस को बचाएं। डीएम साहब, जो लखनऊ रोड से जो मरी माता के सामने के जो डिवाइडर थे वहाँ पे देखा गया रिफ्लेक्टर नहीं है और वो आगे क्योंकि ठंडक और बहुत गलत तरीके से वो बना भी लग रहा है। उसमें मैं एक बार पत्र भी लिख चुका हूँ और आपने देखा होगा जो उसके किनारे टूटा हुआ था वो काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था। लेकिन मैं इस पर पुनः आज उनको PWD और नेशनल हाईवे को लेटर लिखूँगा कि ये उस पर ध्यान दिया जाए और जो भी साइनेज बनने हैं, तो आपने देखा होगा कि जो घटनाग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहाँ बार बार घटना होती है उनका भी इंडिकेशन होता है।